अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ माहिरा और आज हम एक नया छोटा सा शो शुरू करने वाले हैं और वो इसलिए शुरू करने वाले हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने खाना बनाया था, खाना तो नहीं खैर सेवैयों का ज़रदा बनाया था और जो मेरी एक बड़ी ख़ानदानी रेसिपी है, लेकिन उसको आई थिंक मैंने तड़ोड़ मड़ोड़ के बनाया आप लोगों के लिए। और फिर नीचे जो कमेंट्स मैंने पढ़े तो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि सब ने कहा इसको तो खाना ही नहीं बनाना आता। आई सेड ओके फाइन, आई एम गोइंग टू लर्न हाउ टू कुक, बट आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू लर्न हाउ टू कुक, आई एम गोइंग टू हैव यू नो फेमस शेफ्स, फेमस एक्टर्स हु आर ऑल्सो शेफ्स कम एंड टीच मी। आज इस शो में जिसका नाम है कश्मीर खाना कहानी प्रेजेंट्स खानदानी किचन, उसमें आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं क्योंकि ये पहला शो है, ईद है, ईद मुबारक, तो इसमें अदनान सिद्दीकी साहब आएंगे, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ वो क्यों आएंगे पहले शो में। पहली बात ये, हम लोग आई थिंक जीतो पाकिस्तान पे सब बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी एंड यू कैन नॉट इमेजिन कितने मज़े के थे, इतने मज़े के थे। मैं घर वापस गई, मैंने कहा अम्मा अब्बा अदनान सिद्दीकी ये वो खैर। तो जब हम ये सोच रहे थे तो द फर्स्ट पर्सन वॉज अदनान सिद्दीकी ऑन द लिस्ट। दूसरी रीज़न ये है क्योंकि इन्होंने मेरे सेवैयों के जर्दे का बड़ा मजाक उड़ाया। प्लीज़ वेलकम अदनान सिद्दीकी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। ईद मुबारक। यू लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, यू ऑलवेज लुक हैंडसम। अच्छा, थोड़ी सी करेक्शन, आपका कोई भी शो छोटा नहीं हो सकता, तो ये बड़ा शो है। व्हेन मायरा इज देयर ऑफ कोर्स इट हैज टू बी बिग, तो ये छोटा नहीं हो सकता। लेकिन करेक्शन दूसरा ये कि मैंने पहली दफ़ा ये टर्म सुनी सेवैयों का जर्दा। जर्दा हमेशा चावल का होता है, वो पीले चावल होते हैं, सेवैयां सेवैयां होती हैं। ऑनेस्टली आई नो कि ये वो शो नहीं है जहाँ हम बहुत सीरियसली अपने क्या हो रहा है एक्टिंग क्राफ्ट या इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, बट आई ट्रूली फील दिस अदनान कि मैं इनको बता रही थी शो शुरू होने से पहले दैट आई एम वेरी लकी, आई केम एट द you know just at the edge of it where you know, I'm also very lucky. Why? You know why? Why? So I've become your father. Abhi tak wo mauka nahi aaya ki main inka on screen lover ban sakun ya on screen husband ban sakun. Zaruri hai, we have to do it. Ab inka on screen main cook bhi ban gaya hu, to kitni कितनी चीजें हो रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड होता जा रहा हूँ मैं। आई डोंट नो अपग्रेड है अब्बा से खानसामा बनना ज्यादा बेहतर है या खानसामा से अब्बा बनना। नहीं, नहीं, अच्छा बड़ा एक और चीज़, आई एम सॉरी, नहीं प्लीज। इनके शो का जो नाम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, उसका नाम है खानदानी किचन, व्हाट यही है? यस, खानदानी किचन। खानदानी किचन, तो मुझे प्यार से लोग दानी भी कहते हैं और ये खान तो है ही है, तो खान दानी किचन। नहीं मगर अब दूसरे जो एपिसोड होंगे तो खान तो रहेगा, दानी कहाँ गया? दानी हमेशा रहेगा यादों में, ठीक है ना। अच्छा आज हम बना रहे हैं, बताइए। हम पहले सेवैया का जर्दा नहीं बट किवामी सेवैया, किवाम कहते हैं शीरे को। हमने पानी उबाल लिया और इसके अंदर हमने चीनी डाली थी, इसका हमने शीरा बना लिया, ठीक है। अच्छा, तो अब एक और बड़ी जबरदस्त चीज है, कमिया। वाह, आप बनाएंगी? अच्छा ठीक है, आई थिंक मैं हाँ ये बांध लूं। ये अच्छा बहुत जरूरी है ख्वातीन अज़ीज़ा, जब आप किचन में जाए तो रेशमी कपड़े पहनना बहुत जरूरी है, माइनस पॉजिटिव होता है तो इनको कुछ होगा नहीं। अच्छा, क्योंकि आग के साथ आग है तो आग को कुछ होना है नहीं, तो अब आप जरा देखिए डालें, बताइए, डालते रहें और डालें। अच्छा वैसे मैं एक चीज बताऊं जी, मेरी पप्पो नाराज हो जाएंगी, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। मैं देखे पप्पो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने बिल्कुल चीज सही बताई थी इनको, मगर इनको बनाना नहीं आया तो वो दूसरी बात है। तीन लौंग। ओहो सही, इलायची इसमें से एक दो तीन ले, एक दो तीन तोड़ो और सो ताकि उसके अंदर से निकल आए नथिंग लाइक। ये सेवैयों को हमने थोड़ा थोड़ा हाथों से मैंने इसको तोड़ दिया था, इतना तोड़ा था कि ज़्यादा छोटी भी ना हो ना ज़्यादा बड़ी, ठीक है। ये सब डाल दें अंदर? सब डाल दो? नहीं नहीं सब सब डाल। आज तो अच्छा, ये इतना इसको आपने भूनना है कि ये थोड़ी थोड़ी ब्राउन होने लगे।
अच्छा अदनान, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? पूछे। अच्छा, अगर मैं एक डिश होती। हाँ, डाल दें इसको बचा लें। तो क्या होती? आप यकीनन मीठी डिश होती। अच्छा। हाँ। और मुझे किसी ने कहा बिरयानी। नहीं नहीं नहीं, आप होती कवामी सेवैयाँ। और हुमायूं? हुमायूं तो जो हर खाने में डलता है, यानी घी हर खाने में डलता है, क्योंकि वो हर चीज़ में है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इमरान अशरफ लड्डू। स्वीट, क्यूट। अच्छा, और आयजा तो गुलाब का अर्क। आहा, वाह वाह। सज्जल भी माशाल्लाह इतनी प्यारी है मेरे लिए जितनी मेरी बेटी। ठीक है, आई थिंक मैं बोलूँ? हाँ, सज्जल इज गुलाब जामुन। गुलाब जामुन है ना, मुझे होते ना छोटे वाले चमचम। हाँ, छोटे वाले। तो आप देख सकते हैं, आप दिखाएं कि थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है, और हमारा शायद चूल्हा आहिस्ता इसको तेज करना पड़ेगा। नहीं, इससे पहले ये कि हमने पहले से शीरा बना लिया था, तो हम ये थोड़ा थोड़ा डालेंगे। आपको याद है ना हमने अच्छा, आप डर नहीं सकते खाने से। खाना बनाने का जो सबसे अहम चीज़ होती है, डरना नहीं है। बना रहे होते हैं आप, या आप दिखा सकते हैं उनको उधर के, थोड़ा सा आपने देखा होगा घी पर आ गया। आप देख रहे होंगे कि मीठे के अंदर लेमन का क्या काम। हाँ, आई विल टेल यू। तो ये हमने काट लिया, हमने उस तक गए, ठीक है ना। सो इफ यू कैन जस्ट टेक आउट द सीड्स। ओके, चलो ये दूध मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब आप दूध के अंदर जैसे आप लेमन डालेंगे ना, हाँ, दूध फट जाएगा। ओके, मतलब बिकॉज ऑफ द पटेगा नहीं ये वाला नहीं है, ठीक है ना, डरने की बात नहीं है। सो व्हाई वुड यू वांट इट टू फटो? क्योंकि इसका खोया बनेगा ना, एक नेचुरल खोया होता है जो दूध के साथ बनेगा। ठीक है ना, इसका होता क्या है कि जब आप दूध चीनी एंड लेमन का जो मिक्सचर करते हैं, तो इसका रिएक्शन यही होता है कि वो दूध फट जाता है। राइट, ठीक है ना। तो ये फट चुका है दूध, आप देख सकती होंगी। पर आपको नहीं लग रहा कि ये जरा ज्यादा ब्राउन है? मुझे लग रहा है तो मैं ही बना रहा हूँ ना तो जाहिर सी बात है, इसलिए तो है कि मैं बना रहा हूँ। अगर आप बना रही होती तो मैं आपसे ये सवाल नहीं करता। तो फर्स्ट रूल कि शेफ से नहीं कभी पूछते कि ज्यादा ब्राउन है कि नहीं। वाह 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 वाह। आप उससे पूछते हैं क्या इसको इतना ब्राउन होना चाहिए। ओ हाँ, क्या इसको इतना ब्राउन होना चाहिए? Yes. Okay, thank you. ठीक है, इसको चलते रहना चाहिए, इसको थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। ठीक है, ये जलाते हैं। अब आप जलाएंगे? मैं जलाऊंगा। हाँ, आप जलाएंगे। ये वाला इसका? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। ये वाला नहीं था? नहीं नहीं, ये वाला है। नहीं, सेकंड वाला। बिस्मिल्लाह, चलो, वेरी गुड। डरना नहीं चूल्हे से, डरना नहीं है चूल्हे से, नहीं डरना, लड़ना। ओह गॉड, वाओ। मैं कहा अच्छा, नींबू काटने का एक तरीका होता है ना? बिल्कुल होता है। यू टेल मी, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू नो, इज इट लाइक दिस? नो। और इज इट लाइक दिस? यस। ओके, एक और भी तरीका होता है, उंगलियां दूर रखते हैं। हाँ, उंगलियां दूर रखते हैं। मेरे भाई की आवाज निकली, बी केयरफुल। तो ये भाई का खालाजाद भाई भी यही कह रहा है कि दूर उंगलियां रखना। What is wrong with you guys? Oh my God, what was this? अच्छा, हटे यार, ये तो embarrassing है। नहीं, just see. नहीं, आप हटे, आप हटे, no, आप हटे, no, नहीं। Relax. That was very good. Thank you. Very brave of you. Thank you. ज़्यादा नहीं डालना हमने। अच्छा। इसका ढक्कन मिलेगा? ये कैसे डलता है? अच्छा, ये बड़ा अजीब ढक्कन है। ठीक है जी। This is a ढक्कन कम डफ, ठीक है ना। तो ये ढक्कन होना बहुत ज़रूरी है कि ये उल्टा ढक्कन है और ये इसका नहीं है। वेरी गुड।
वेरी गुड, क्योंकि इसका टक्कर होता तो मजा नहीं, मजा नहीं आता। यही तो कमाल, यही है खानदानी बात। खानदानी बात इसमें यह है कि हम देखते नहीं है कि कौन सा ढक्कन क्या है, जो भी मिल जाए घर में, घर में जो भी मिल जाए रख दे, हम नहीं देखते ये सब चीजें। कुछ भी आ जाए जी। अच्छा, ढक्कन से याद आया जी, ढक्कन से क्या याद आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा फटा है, ठीक है ना? मुझे याद है बचपन में हमारे कमरे के इंस्पेक्शंस होते थे और मेरे अब्बा करते थे। और उसमें होता ये था कि वो अलमारियाँ, कहते थे अलमारी दिखाओ, तो मैं अपनी अलमारी हमेशा इतनी ही खोलता था जितनी आपने खोली ये करके। तो आई नो व्हाई। बिल्कुल, थैंक। घर खानदानी, खानदानी है, खानदानी में देखे ये कोई किचन नहीं है, ये घर का किचन है। घर के किचन में ऐसी चीजें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम अपनी कपड़े खोलते हैं, कपड़े तो फिर आप ऐसे ही खोलते हैं, ऐसे ही खोलते हैं, बिल्कुल। हालांकि बाय द वे मैंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि आई वाज अ वेरी गुड गर्ल। यूजुअली गर्ल्स आर लाइक दिस, उनका कमरा भी साफ सुथरा होता है। खैर, कमरा तो मेरा अपना कभी था ही नहीं ना। क्या बात करिए, हां तो किसका कमरा था? अब हिसाब, मैं और मेरा भाई एक साथ इलायची को कूटा था। यू कैन स्मेल इट। तो हम इसमें सब डाल देंगे। अच्छा, अब तक आई होप आप लोग ये फॉलो कर रहे हैं कि क्या? मेरे ख्याल में फॉलो कर रहे होंगे यार। हाँ, कर रहे होंगे। तो ये हमने इसमें ये इलायची डाल दी है और आप देख सकती हैं कि माशाल्लाह शक्ल तो अच्छी निकल गई। अच्छी आ रही है। Thank you. Looking good. It is actually looking good. अच्छा, ये आप बताएं ना, आपने क्या बनाया था? So, खवातीन हज़रात, इसके अंदर सैफ्रॉन यानी ज़ाफ़रान है, इसके अंदर केवड़ा है, मुझे अंग्रेज़ी में नहीं कहना आता, केवड़ा को क्या कहते हैं, ज़ाफ़रान, थोड़ा सा दूध और केवड़ा हमने मिक्स किया। अच्छा, लाएं मैं पीस दूँ? नहीं, आप उधर ही रहे, मैं इसको कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जान लगती है। और तो मुझमें है जान? बिल्कुल है। आप, मैंने कब कहा कि नहीं है, आप में भी तो जान है सबकी। थैंक यू। ये हमने इसमें डाल दिया। नो, मिक्स इट। वेरी गुड। नो 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 नो, वेट। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इन्होंने मुझसे कान में आके कहा था, आई थिंक लेमन इज बिट मोर। मुझे मेरी दादी याद आ गई। सो क्यों? मेरी एक बहन थी। हाँ। उनके लिए एक रिश्ता आया। हाँ। और मेरी दादी She was in her 80s, late 80s. बड़ी बूढ़ियों को होता है कि वो आके देखें घर में हो क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कि क्या हो रहा है, तो वो आई अपना तंग पजामा और कुर्ता पहन के, सफ़ेद दुपट्टा, और वो she was trying to figure it out कि लड़का कौन है इधर जो मेरी पोती को देखने के लिए आया। तो उन्होंने बिल्कुल आपकी तरफ मुझे बुलाया ऐसे करके, इधर आओ, और अपनी तरह से विस्पर किया उन्होंने, क्या ये सामने लड़का है? वाह, क्या बात है। वैसे ओफ यार, दादी और नानियों की क्या ही बात है। वाकई, चुपके से चीनी निकालो। देखा, इसमें डालो और थोड़ा सा घी डालो, बस। सॉरी, पानी। पानी डालो। हाँ, तो हमारी सेवइयों का अच्छा रंग निकल आया। बिल्कुल, गाढ़ी भी हो गई है, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। हमने थोड़ा सा दूध डाल दिया, ठीक है। वेरी गुड, है ना? स्मेलिंग वेरी गुड। देख लें भाई। ठीक है जी।
यूजली खानदानी किचन के अंदर कपड़े नहीं होते हाथ साफ करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, आप अपना कपड़ा ये टिश्यू लेते हैं आप और इसे हाथ साफ कर लेते हैं। यू हैव टू शो दिस, कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, दिखाएं दिखाएं दिखाएं। ओके ओके भाई, देखिए, देखा आपने? अब आया मजा। ओहो, एज यूजुअल हमारे पास कोई प्लेट नहीं है क्योंकि घर का खाना है, ठीक है ना? तो अरे ये रमजान भाई के लिए, मुबारक भाई के लिए, ठीक है? वाह वाह वाह। ओह हो, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, चांदी के वर्क। ओ वो तो मैंने फेंक दी, नहीं फेंकी नहीं। मुझे इसलिए याद आ रहा है कि जब ईद होती थी हमारे घर में तो मेरी मरहूमा वालदा, मेरी दादी, ये सेवैयाँ बनाया करती थी और ये चांदी का वर्क ज़रूर लगाया करती थी, ठीक है ना? वाह भाई, तो वो यू नो आई हैव नेवर डन दिस, कैन आई, वुड यू बी एबल टू डू इट प्रॉपर्ली? नो, तो बट यू शुड गिव पीपल अ चांस। वाओ, ही इज सो पर्टिकुलर। ठीक है, आपकी बीवी अच्छा खाना बनाती होंगी। कौन है ये? इसको कीजिए, कौन होती है? हाँ, है ना? ओए यार, ये शीरा बनाया था? ये नहीं लगा, ये नहीं डाल। अच्छा, ओह मिस्टर सिद्दीकी, खानदान इसमें है यार। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, जस्ट वाह 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 वाह, है ना? वाह, बातों बातों में हमारी सेवैयां तैयार हो गई यार। लुक एट देम, दे आर ब्यूटीफुल। अच्छा जी, सो हमारी सेवैयां तैयार हो गई, सेवैयां तैयार हो गई हैं, खानदानी क़वामी सेवैयां, खानदानी क़वामी सेवैयां, या राइट। तो सुने, आपने अभी तक गाना नहीं हमारे लिए गाया है, गाया है, और अब ये ना ऑन करें ना, ये वाला करें ना, नहीं दूसरा, नहीं सेकंड, वेरी गुड, रख दे, इतना ज्यादा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया? डालूं मैं कश्मीर ऑयल? डालें कितना? जितना है आपका है ये सारा? नहीं, आप मुझे बताएंगे। डालें डालें डालें। अच्छा, मैं यूजली नहीं, यहाँ कहाँ, इधर डालें ना। नहीं क्या क्या डन, नहीं और डालें, गुड इनफ, ओके वेरी गुड। तो हमने कश्मीर ऑयल डाल दिया जी, ठीक है जी। उसके बाद इसको थोड़ा गर्म होने दें, ठीक है? जब तक आप कुछ भी सुना दें। इसके लिए क्या चाहिए होता है कि हमने इसकी प्याज काट ली है, पहले से काट के रख लिए, टमाटर भी काट के रख लिए, हर मसाला हमारे पास इधर है, खड़ा मसाला भी हमने सारा इधर एक जगह जमा कर लिया, ठीक है? दही भी है, दही भी है, परफेक्टो परफेक्टो। हाँ, ये क्या हुआ? ओ माय गॉड, होल्ड ऑन, ये मेरी जिंदगी का सबसे, अगर आप मुझसे पूछो ना फाइव टॉप फाइव, ओए होए ये, और ये मुझे ऐसा लगता है अगर किसी ने पूछा मेरी जिंदगी पे, वाह चलें चलें हो जाए शुरू। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, हो छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ। उफ, और इसके आगे क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, घी गरम
हो गया अब इसमें प्याज डालो, डालो। अच्छा गोश्त डालो भाई, क्या बात, क्या बात है। ओए होए होए ठीक है डाल दे। डाले वेरी गुड डाल दिया। क्या बात है, कितना आसान है ये, आप देख रहे हैं। मुझे मजा आ गया ये गाना सुन के। देख रहे हैं आप, ओहो हो, लुक एट दैट, लुक एट दैट। खाना सीखना है। आई नो बट खाना और खाने के साथ गाना। अच्छा नाउ यू हैव टू प्लीज गो थ्रू इट। हमने गोश्त डाला, प्याज डाला, टमाटर डाला, ये क्या था, ये क्या है, क्या है ये, आलू? ऐसे तो नहीं कर रहे हैं यार। अदरक? नहीं नहीं अदरक नहीं पूछ रही, ये साबुत धनिया। अच्छा ये अदरक नहीं है, वैसे लहसुन है। ठीक है ना, अदरक लहसुन ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, एक बड़ा वाला जो चम्मच था ना। हाँ नो नो यू हैव टू टेल अस। अच्छा सारा गरम मसाला हमने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आपने उफ बाय द वे दिस इज लुकिंग लाइक समथिंग गॉड नोज व्हाट्स गोना हैपन इन इट। ये एक कप पानी डाला, ठीक है। That's it. So, बस ठीक है? अब आप क्या करेंगे, मैं ज्यादा मिर्चें नहीं डाल रहा, ठीक है? I don't know. ठीक है। तो By the way, ये हम लोग अम्मा अब्बा खाएंगे ये आज? नहीं नहीं सॉरी, ये सब खाएंगे, सॉरी। अच्छा सहर भी खाएंगे? सहर भी खाएंगी सब। और कौन खाएगा? सबकी आंखें टिकी हुई है यहाँ। बाबर साहब भी, बाबर भी खाएगा। तो वैसे हमने क्या किया, इसका टमाटर हमने छोटा कर दिया तो अच्छा है, क्योंकि ओ वाव लेट आ गई। वाव अब इसके ऊपर हम ढकना डाल देंगे, ठीक है। वाव इसी का है, इसी का ढक्कन। वाह देखें अब तो इतालियां इनके लिए बजती हैं, बजनी है। वेरी गुड, हल्का सा हल्की आंच पे इसको रख दें, ठीक है। ठीक है और इसको थोड़ी देर तक पकने दें, ठीक है। ठीक अच्छा माइंड यू यस, नमक हमेशा जब डाला जाता है जब आप खाना भून रहे होते हैं। ओके सो पहले से पहले डालोगे नमक, ऑफ कोर्स में वाटर कंटेंट भी होता है, वो पानी छोड़ देगा। ठीक है उसी वक्त जब आप भून रहे होते हैं। ठीक है ठीक है। इसी तरीके से गरम मसाला भी बिल्कुल आखिर में। अच्छा आपने मुझे एक चीज़ बताई थी पहले, तो आप इनको बताएं गरम मसाला क्यों आखिर में? क्योंकि अगर आप पहले डालेंगे तो, क्योंकि गरम मसाला गरम है तो काला कर देगा, ठीक है ना, तो इस वजह से आखिर में वो भी खुशबू के लिए थोड़ा सा डालते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये आपने और दही भूनते वक्त, ओके ठीक है ठीक है। अभी ये पानी छोड़ेगा, ठीक है, पकेगा पकेगा, पकने के बाद फिर घी छोड़ेगा, घी छोड़ेगा जब, तो फिर हम दही डालेंगे। आई होप यू ऑल आर लिसनिंग टू दही, उसके साथ फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा मैं लाल मिर्च जो है ना कम इस्तेमाल, बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, वो भी मैं शायद इसलिए मैं थोड़ी सी डाल रहा हूँ, थोड़ा सा रंग आ जाए और कुछ। ठीक है दैट्स इट। बाय द वे अच्छा आई मैं जब छोटी थी ना तो मैं ईद की, इट वाज माय थिंग, आई थिंक बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, आई थिंक बच्चों के लिए होती है ना ईद। तो हम तो बड़ा रोते थे जब हमारे घर में, आई लव एनिमल्स। अच्छा बहुत मुझे शौक है, जो हमारे घर में बकरे आते थे, गायें आती थी, मेरा दिल चाहता था कि बस इनको काटे नहीं, इनको मैं पालूं, इनको मैं पालूं, बस पालूं। और वो जब एक हमारा एक बकरा था जो मैंने पाला था उसको, और मुझे नहीं पता था वो क्यों पाला गया था, शायद कैश मैनेजमेंट की थी मेरे अब्बा ने, वो पालो जब बड़ा हो जाए उसको ज़िबा कर दो। So, उसका नाम मालूम क्या था? क्या? मौला बख्श, उसका बकरे, बकरे का? का नाम। अल्लाह। अब जब आप ज़िबा करते हैं घर में तो आपको खुद छुरी फेरनी पड़ती है ना अल्लाह अकबर करने के लिए। देखिए मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि कुर्बानी हर साहिब हैसियत पे फ़र्ज है और करनी चाहिए, बिल्कुल यह हमारा बिलीफ है, तो ठीक है। मगर अब मुझे कंट्रोल करना पड़ता है अपने बच्चों के आगे कि यार नहीं कर सकते, ये बच्चे तो आते ही नहीं सामने।
दे ऑलवेज क्राई, जब भी ज़िबा होता है वो आते ही नहीं हैं, तो मैं अकेला ये कर रहा होता हूँ और बट है। मगर आप कलेजी खाती हैं ईद पे? ओफ़, आई लव। हमने ये क्यों बनाया कलेजी? क्यों नहीं, क्यों नहीं बनाया? आई लव कलेजी। अच्छा, और जल्दी बन जाती भाई? मैंने ये तो अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो 2 घंटे लगेंगे। कसम खाएं? अल्लाह कसम क्यों खाएं? ये खाएंगे यार, ये खाएंगे हम लोग। इट्स लुकिंग गुड, इट्स लुकिंग ग्रेट, स्मेलिंग गुड टू। वी टुक अ लिटिल ब्रेक और बहुत सारे मजे मजे के। माय नेबर, इट्स ओके। अच्छा ठीक है। अच्छा अब पता है हम क्या करें? हम थोड़ा सा अभी इंतजार कर रहे हैं या डू वी स्टार्ट? नो, आई डोंट नो, वी हैव टू वेट। वी हैव टू वेट, ओके। आई एम सॉरी, वी हैव टू। सो नाउ लिसन, यस, आई डोंट अंडरस्टैंड दीस स्लैंग्स आइदर। What slang? बस अभी हम खेलेंगे, ये मिलेनियल स्लैंग है। इट्स कॉल्ड मिलेनियल स्लैंग। ओके गो, यू हैव टू गेस कि ये क्या है। ओके ओके गो। फर्स्ट वन इज लो की। लो की, लो प्रोफाइल। ओ वाह, आई नो। आई आर एल, आई फॉर आई, आर फॉर आई नो, राइट? Yeah, please. In real life. So how do you use it? How do you use it? IRL. No. Huh? Actually, you know. Oh, he's sweet. IRL. Yeah. Like. In real life, he's sweet. He's you're beautiful. IRL. Yeah. Wow. Hey. Look at बच्चे को शो रहे हम. अच्छा क्या? The next one is turnt. 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 T-U-R-N-E-D. No, turnt. T-U-R-N-T. Turnt. Like, oh, I've seen. Turnt. Like, use this in a sentence. Please. Yeah. I got so turnt last night. I always. Good. No, but. No, it's like, it's lit. Yeah, like I was like. I knew it. But okay, next. I know this. So, 2-1. Go ahead. Okay, on fleek. Like, oh, my dress is on fleek. It's like cool. Cool. Like on point. Spot on. Maine bol diya, main jeet gayi. No, the right word is spot on. No, on point. Okay, the next one is. Ye competition tha, mujhe nahi pata tha, warna main jeet jaati. Next one is bougie. Oh, I know bougie. Right? It's bougie. Bougie. You're looking bougie. Cool. Yeah. Bougie. Bougie. Like. Like you're not looking cool. Bougie. No bougie. No, like bougie. Like bougie. 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 Oh. Bougie. 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 But wait, what is bougie? Like high end. Yeah, that's what I said. I said that. Like my my bougie. No, like Gucci. You're not Gucci. I know this, in my opinion. ये तो मुझे भी पता था। जी, मगर बोला तो नहीं। Anyway, आगे। Ladies first. ले। Throwing shade. जब आप अपने true colors दिखाते हैं। No. One more try. No. I'll give a throwing shades. No. Can I tell you? Throwing shades. Please, anybody is recording this. The Myra Khan is. Why? Cleaning my nazar ke chashme. हाँ, तो और क्या? Wow. Because मुझे तब से वो. Are you all? In real life, baby, bougie. Okay. हाँ, bougie. Now. 150 rupees. Yeah. ये भी ना बात. Throwing shade means basically, जैसे कि किसी ने कोई. Tantrums. No na, जैसे कि किसी ने कुछ बोला और डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन ढके छुपे लफ्जों में बोल दिया एंड दे आर थ्रोइंग शेड। जैसे कि आपने कहा था, हाँ भाई ये खानदानी किचन है, यहाँ तो ये होता है, दैट्स थ्रोइंग शेड। थैंक यू। शुक, या शुक तो आई नो के ओके, हिज फूड वाज सो गुड, ओ माय गॉड आई एम शुक। शुक हिला दिया, वल्लाह शुक। Have I won the millennial round?
thank you. Have I? It's a tie. No. Dani Khan. Dani. Dani, Jani, Dani. Dani, ye chak. अब बाय द वे ये हो गया है खानदानी शो, क्योंकि अब ये इतना लंबा हम लोग यहाँ हैं इस दो प्याजा गोश्त को बनाने के लिए कि हम लोग, मुझे लगता है आज यही रहेंगे। मजाक उड़ रहा है, ये मेरा मजाक उड़ रहा है। नहीं 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 नहीं, गोश्त है, मैं इस पे बैठ नहीं सकता। थैंक यू। बोंजूर। योवा, दिस इज ब्यूटीफुल गाइस। सोनी मैनी सिक्त सोनी quei momenti fra di noi, i distacchi e ritorni, cose della vita. You too. Sì? To you too. Ok. Acha, ab so, dalenge, ab, nahi? Hum, abhi nahi dalenge. Abhi hum chahenge. Iska humne pani se. Iska pani sukhana hai. Main nahi aayi. अब कच्चा हो पक्का हो मुझे नहीं पता। ये बहुत देखे खाने के अंदर पेशेंस होते हैं, वो इनमें नहीं है। ये देखे कहाँ बैठी है। इसका घी ऊपर आ गया, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि मसाला बन चुका है, ठीक है। तो हम ज्यादा दही नहीं डालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डालेंगे, ठीक है, और इसको भूनेंगे, ठीक है, ठीक है। Yes. जी अंकल, हाँ नहीं नहीं आप कर लें। ओके ओके। नमक हसबे जायका। कौन सा वाला नमक था? यही था। अच्छा मैं नमक वैसे ही कम डालूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं नमक वैसे कम ही, ओह सॉरी। भूनते रहें, शाबाश। ओए 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 ओए। लुकिंग गुड। इतना सा काट देता हूँ सामने से। अच्छा क्यों? ताकि उसका टेस्ट आए थोड़ा सा, ठीक है। अब ये शक्ल देखने वाली है, अब आप करें क्योंकि आपको कुछ हो रहा है जी। मुझे पता है। प्लीज लुक एट दिस। वाह भाई वाह। कैन यू स्मेल इट? यस। सो अगेन वी पोर सम ऑयल। ऑयल हियर। हरी मिर्च? नहीं नहीं, और ये तो ऊपर से डाल रहे हैं ना। ये मैं आपको बता दूं, इस ये मलीर की नदी वाली हरी मिर्च है। इसमें मिर्चें हैं। ओह देखा, क्योंकि मैं हाँ ये वाह वाह वा, वा। थोड़ा सा दिखा भी दें ना। दिखाएं? आप दिखाएं। अब ये आप डाल रहे हैं कड़ी पत्ता। ये लोग नहीं डालते मगर मुझे पसंद है कड़ी पत्ता, ठीक है ना। तो इट्स योर चॉइस। ये क्यों डाला? धनिया? तो ये तो बाद में डालते हैं। तो ये अभी डाल दिया ना, बाद में हो गया ना आपका खाना तैयार। तैयार है? यकीन नहीं आ रहा ना। नहीं बिल्कुल भी नहीं। यू आर अ ट्रू शेफ वैसे। थैंक यू। But you should have taken the danas out, na? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ओके। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इसकी शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है। और मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे खाना टेक द गोश्त ये वाला। ओके। बट मुझे खाना टेस्ट करना बहुत अच्छी तरह आता है। लाइक आई एम अ वेरी गुड जज ऑफ फूड। क्लैप। वाओ। ठीक है। ओके जी। गोश्त गल गया? ओए वाओ। वाह। वाह 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 वाह। बिस्मिल्लाह। नहीं? नहीं नहीं या हाँ? Bougie. No. You don't understand. Huh? Shook. Shook.
Shook, my God. No, no. Turned. Turned. Wow. So, ये बकरीद के लिए मेरे ख्याल में इससे अच्छा गोश्त नहीं हो सकता. वैसे. ये आप खाएं और उसके बाद ये सेवइयां होंगी. और जो कि हमने बचा के रखी हैं ताकि मैं ये सेवइयां कैसे खाता हूँ? कैसे? क्योंकि जब आप ये खा लेंगे तो आपको सेटल डाउन भी करना है. दूध के साथ डाल के इसको मिक्स करके फिर खाएं. एंड थैंक यू मायरा. नो थैंक यू. नो नो, आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम कुकिंग फॉर मी फॉर खानदानी शो. थैंक यू. एंड अब पूरा खानदान खाएगा. बिल्कुल खाएगा. यू मस्ट टेक दिस फॉर योर मदर. विल दे लेट मी टेक इट फॉर माय मदर? आई एम श्योर दे विल. दे बेटर. ठीक है ना, ये भी और वो भी. ईद मुबारक मेरे और अदनान की तरफ से. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. यू रियली मेड दिस अमेजिंग. बहुत ईद मुबारक. आप जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे, सदा बहार रहे और सेहतियाब रहें और सेफ रहें. सेफ रहें बेशक. और नेक्स्ट एपिसोड वी विल हैव नॉट दिस काइंड ऑफ फूड बट सम अदर फूड. यू डोंट नो. लेट्स सी. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू गाइज. Okay guys, also don't forget to like, subscribe and share. Mash. And the icon is here somewhere. Is it? Probably. Tongue. Okay guys, come on. Amazing.